हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ मार्च का 2024 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 40 मार्क्स का है। तो यहां पर आपको 24 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड राइट द कंप्लीट आंसर अलॉन्ग विद द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 to 20। 1 to 20 क्या है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसके आंसर आपको लिखना भी है और उसका ऑप्शन भी आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज ए सुटेबल पेयर फॉर फूड फ्रॉम प्लांट सोर्स। तो यहाँ पर प्लांट सोर्स से जो फूड मिलता है वो क्या है, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉय हैड ओबेसिटी प्रॉब्लम फ्रॉम विच ऑफ द डॉक्टर सजेशंस इट एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या है, एक बच्चा मोटापा का शिकार है तो डॉक्टर उसको क्या सजेशन देगा, ऑप्शन डी लिखेंगे, द अनयूजुअल कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द राइट स्टेटमेंट प्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस कौन सा होता है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो ये डालेंगे ऑप्शन ए, बिल्डिंग इन विच ओनली वन फैमिली रेसिडाइज। क्वेश्चन नंबर 4, आइस क्यूब वाटर वाटर वेपर्स। तो इसमें करेक्ट जो है हमारा, आइस क्यूब को वो लिक्विड होता, फिर हीट करते तो गैस बनता, तो ऑप्शन सी डालेंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कुकिंग ऑयल इज एक्सीडेंटली एडेड टू वाटर इन ए वेसल एट होम। कुकिंग ऑयल अगर हम पानी में डाले तो क्या होता, पानी पे ऑयल तैरता है, ठीक है, पानी के ऊपर होता है ऑयल, तो वो क्यों होता है, क्योंकि लो डेंसिटी ऑफ ऑयल रहता, तो ऑप्शन डी लिखेंगे हम, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट यहाँ पर ए है, ऑप्शन ए लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आयरन एंड सल्फर आर मिक्स्ड दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। अगर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज उसकी बाकी रहती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर, तो आंसर लिखेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इज़ कॉमनली यूज इन वर्किंग ऑफ टीवी रिमोट। टीवी रिमोट में हम क्या यूज़ करते, शेल, तो शेल क्या किसे चलता, केमिकल एनर्जी से, यहाँ पर ऑप्शन ए डालेंगे, आगे चलेंगे। 9th क्वेश्चन, सम एक्टिविटीज इन कॉलम एक्स एंड एनर्जी सोर्सेज कंजर्व बाई दिस इज कॉलम जेड आर गिवन द मिसमैच वन Among them is to cool the water in a mud pot. तो मिट्टी के घड़े में जो पानी यूज़ करते हैं उसको फ्यूल एनर्जी डाला है वो, तो यहाँ पर मिसमैच उसको डालेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द नियरेस्ट प्लानट टू द सन। नियरेस्ट प्लानट कौन सा है सन के करीब, मर्करी, यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनयूजुअली वाइड एंड लॉन्ग वैलीज इन द लोअर हिमालयज इज डोन। यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेलिंग है, यहाँ पर सी डालेंगे, डोन लिखेंगे और चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज नॉट एन यूनियन टेरिटरी। तो मणिपुर जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो लिखेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। रोमन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 13 to 24 इन द स्पेस प्रोवाइड। जो स्पेस प्रोवाइड की गई है वहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से क्या है, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सजेस्ट 2 different methods विद द एग्जाम्पल टू प्रिजर्व फूड आइटम इन हाउस वेर देर इज नो कोल्ड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, पिकल्स बनाते, अचार वगैरह, फूड लाइक मैंगो, लेमन, वेजिटेबल प्रिजर्व इन हाउस बाई मेकिंग पिकल। नेक्स्ट हम ड्राइंग करते, सुखाते, सुखाने के लिए जैसे हम गोजबेरी, ग्रेप्स वगैरह क्या है, सुखाते, तो ये 2 लिखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। 14, ए विलेज वॉज अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट विलेज, लिस्ट द 4 एलिजिबिलिटी फीचर्स द विलेज शुड हैव टू गेट दैट अवार्ड। तो यहाँ पर 4 फैसिलिटी हम लिखेंगे, रेन हार्वेस्टिंग होना चाहिए और ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोलर एनर्जी के जरिए चाहिए। ये तो हमने 4 लिखा है और ज़्यादा भी है, बट हम यहाँ पर 4 लिख के आगे चलेंगे।
Question number 15. What are the two properties of matter? Two properties of matter. Matter occupies space. Matter has mass. Next challenge is 16. If we added salt to vessel completely filled with sambar, sambar does not spill out. Why? तो इसका आंसर लिखेंगे हम और आगे चलेंगे. Give four examples of compound. तो compound के four example लिखेंगे. Carbon dioxide, water, salt and sugar. Next चलेंगे. Question number 18. Mention four works that can be done by muscular energy. यहाँ पर muscular energy के examples लिखेंगे. Lift water from well, pushing weight, climbing stairs and lifting luggage. Question number 19. Fill in the table with appropriate answer. Muscular energy. अभी हमने चार muscular energy लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे डालेंगे pushing an object. Electric and electrical energy भी mechanical energy में change होके phone जो हमारा fan rotate होता है वो mechanical energy हो जाएगा. Next यहाँ पे डालेंगे solar energy. यहाँ पे डालेंगे heat energy released when coal is burned. यहाँ पर आपको question number 20. Draw the diagram of solar system the following crystal bodies. तो यहाँ पर हम solar system डालेंगे. Question number 21. Name any four rivers of our state. तो four rivers: कावेरी river, कृष्णा river, शरावती river and नेत्रावती river. Next question चलेंगे. List any four awards given to the great personalities achievers at the national level from the government of India. The four awards हम लिखेंगे Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. Next question चलेंगे. List four features that are helpful for the formation of architecture in the plains. प्लेन्स में क्या है, लैंड जो है लेवल होता है. नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्सेस आपको मिलते हैं रॉक, सैंड एक्सेट्रा, और आपको यहाँ पर प्लांट फाइबर्स भी मिलते हैं और पानी की फैसिलिटी भी होती है. तो इसको लिखेंगे यहाँ पर और चलेंगे. नेक्स्ट इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द नेम ऑफ फॉलोइंग. तो द साउथर्न नेबर्स कंट्री ऑफ इंडिया. साउथर्न यहाँ पर आता है नेबर्स कंट्री. यहाँ पर लिखेंगे हम श्रीलंका, मालदीव्स. ये साउथर्न कंट्री है. द सी इन द वेस्ट इंडिया. वेस्ट इंडिया में कौन सी सी आती है, अरेबियन सी. नेक्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली यहाँ पर डालेंगे हम. अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर डालेंगे. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ EVS क्वेश्चन पेपर. वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.